तो अब आपके दिमाग में आएगा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए जो महंगी महंगी गाड़ियाँ, उड़ता हुआ पैसा, समुद्र के किनारे बैठ के बीच में समुद्र में ट्रेड लेते हुए। जो लोग अपनी पिछली गलतियों से नहीं सीखते वही गलतियां दोहराते हैं। सो हे ट्रेडर्स, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इस दमदार वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं डाटा ब्रिंग ट्रेडर्स। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी। मैं एक एक्टिव डे ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ स्टॉक मार्केट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत वीडियो को। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है कि आज के ज़माने में, ये मॉडर्न ज़माने में, हमारे पास डाटा की या एनालिसिस करने के लिए किसी टूल्स की, इंडिकेटर्स की, रिपोर्ट्स की, न्यूज़ की या बुक की या कोर्स की, इन सब की कोई कमी है? बिल्कुल भी नहीं, भरपूर है, भरपूर मात्रा में ये सब अवेलेबल है। फिर भी क्या जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनका रेशियो बढ़ा? नहीं। आप देखते होंगे जब भी अपना ब्रोकर में आप लॉग इन करते होंगे अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, आपको शो करता होगा कि सिर्फ और सिर्फ 10 में से 9 ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। यानी कि अगर मैं 10% ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल बोल रहा हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, और अगर मैं 90% ट्रेडर्स को लूजिंग ट्रेडर बोल रहा हूँ तो भी मैं गलत नहीं हूँ। तो इतना सब, इतने सारे टूल्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़, डेटा होने के बावजूद अगर कोई लॉस कर रहा है, कोई छोड़िए मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स यानी कि 90% ट्रेडर्स अगर लूज कर रहे हैं, तो ज़रूर यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है। ज़रा सोचिए कि आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, या फिर इन 90% ट्रेडर्स को प्रॉफिटेबल होने के लिए, क्या किसी एक ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत है जो बहुत नामी हो, या बहुत अवार्ड विनिंग हो, या बहुत ही चमक चमकीला हो और बहुत ही अद्भुत हो? क्या ऐसे ब्रोकर की ज़रूरत है? जब ऐसा ब्रोकर आएगा तभी लोग, ये जो 90% पॉपुलेशन है वो प्रॉफिटेबल होगी। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर नासा इसरो वाले भी एक प्लेटफॉर्म बना के दे दें तो भी ये रेशियो चेंज होने वाला नहीं है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सब एक ही तरह से सोचते हैं, मेजोरिटी ऑफ पीपल एक ही तरह से सोचती है। तो जब तक आप कुछ अलग नहीं सोचेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो के मेन टॉपिक पे आता हूँ, और वो है 1% के जैसे सोचना। अब मैं यहाँ पे 1% क्यों बोल रहा हूँ? तो देखिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स 10% तो हैं, लेकिन इनमें से जो एक्टिवली प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो वाकई में लिविंग बना रहे हैं, यानी कि उनका जो जीना है, मतलब वो जीते हैं, जैसे आप कुछ काम करते हैं तभी ना आपका घर चलता है, तो घर चला के जीने के लिए जो ट्रेड करते हैं उनकी संख्या सिर्फ 1% ही है। यानी कि प्रॉफिटेबल 10% है, पहले बात तो 90% तो सीधे आउट, नॉन प्रॉफिटेबल। फिर आते हैं 10% जो कि प्रॉफिटेबल हैं, और उन्हीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के अंदर 1% ट्रेडर्स आते हैं जो लिविंग क्रिएट करके रखे हैं ट्रेडिंग से। तो चलिए हम कुछ सोचना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम अपना दिमाग लगाएंगे, ओके? हम कुछ सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि एक नॉर्मल ट्रेडर या फिर नया आदमी है कोई, वो ट्रेडिंग करने आया है, तो वो कैसे सोचेगा, वो क्या करेगा? तो सबसे पहले उसके पास तो जीरो ज्ञान है, थोड़ा बहुत वो ज्ञान इकट्ठा करेगा, पर फिर उसके पास फ़ोन आएंगे एडवाइजरी कंपनीज के, जिसमें एक प्यारी सी आवाज़ आएगी एक लड़की की, जो कहेगी, नमस्कार सर, आप किस सेगमेंट में काम करते हैं? खुश होके आप बता देंगे कि हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, मैं इसमें काम करता हूँ, बता दीजिए मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो वो एक फ्रॉड कंपनीज हैं, फ्रॉड कॉल्स प्रोवाइड करेंगी, आपका पैसा लेके चली जाएंगी। ये नॉर्मल जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं वो लोग इसमें फंस जाते हैं। फिर कुछ समय बाद जब आपको इन एडवाइजरी कंपनीज से हकीकत मालूम चलती है, और आपको लगता है कि हाँ, उस एडवाइजरी वाली लड़की ने मुझे धोखा दे दिया है, जब आपको समझ में आता है, उस धोखे से आप जब बाहर आते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं, मुझे जो है अब कोई कोर्स लेना पड़ेगा, जब तक मैं सीखूंगा नहीं मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो अब आपके दिमाग में आएगा इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए जो महंगी महंगी गाड़ियाँ, उड़ता हुआ पैसा, समुद्र के किनारे बैठ के बीच में समुद्र में ट्रेड लेते हुए, रिफ्रेश करके दिखाएंगे आपको कि ये देखिए, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट चल रहा है, उड़ता हुआ पैसा तो मैंने बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें से आप प्रभावित होंगे कि हाँ, ये बंदा बहुत अच्छा बोलता है, ये बंदा बहुत पैसा बना रहा है, बहुत भयानक पैसा बनाता है, चलिए इसका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं।
तो इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि जो साहब हैं जो कोर्स चला रहे थे वो खुद लॉस में हैं और अपना लॉस रिकवर करने के लिए वो कोर्स चला रहे हैं। और वो जो आपको दिखाते शो ऑफ करने के लिए दिखाते थे वो मात्र एक प्रमोशनल स्टंट था और ब्लफ था, मतलब धोखा एक तरीके से, झूठ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, मुझे कैंडल स्टिक सीखने पड़ेंगे, मुझे बोलिंजर बैंड सीखना पड़ेगा, मुझे इस इंडिकेटर की मास्टरी करनी पड़ेगी, मुझे एकदम एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तब जाके मैं पैसा बना पाऊँगा। पर दुर्भाग्यपूर्णवश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और आप इन सब से एक रुपया नहीं बना पाओगे। अब ज़रूर आप लोग ये बोल रहे हो कि ये क्या बोल रहा है, कैंडल स्टिक को लेकर, इंडिकेटर्स को लेकर, और तुम मुझे मत सिखा। आप मुझे बोलेंगे कि तू मुझे मत सिखा कि मैं किसमें अच्छा हूँ या किसमें बुरा हूँ, तू मत सिखा कि हाँ मैं कोई सर्विस ले रहा हूँ या फिर मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर रहा हूँ तो मैं ख़राब हूँ या कोई प्रॉब्लम है, मुझे मत सिखा। तो आप चाहे जो सोचिए, हकीकत यही है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग आप भी वही कर रहे हो जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं, 90% ट्रेडर्स करते हैं। और अगर आप यही करते जाओगे तो आपको वही मिलता जाएगा जो उनको मिलता आया है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक बुक है जिसका नाम है बाइबल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। यही नहीं, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, आप अमेजोन में चले जाइए, फ्लिपकार्ट में चले जाइए, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, लाखों बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो आपको मार्केट सिखाना चाहती हैं, उनका कहना ऐसा है। पर मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने ये बुक्स लिखी है क्या वो खुद एक सच्चे ट्रेडर्स हैं? जब आप इसे खंगालेंगे, खोजेंगे, तब आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा नहीं, ये ट्रेडर्स नहीं हैं, या तो ये जर्नलिस्ट्स हैं, या तो इनका कोई और प्रोफेशन है, या तो कोई ऑथर हो गए, या तो जर्नलिस्ट होते हैं, या फिर कोई और प्रोफेशन में होते हैं और उन्होंने बुक लिख दी। अब बुक तो लिख दी, अब ताजुब की बात यह है कि इनकी लाखों कॉपीज बिकती हैं बाजार में, लाखों लोग पढ़ते हैं और लाखों लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बिहेवियर है। अच्छा, शुरुआत में मैंने ब्रोकर का नाम लिया था, चलिए इससे जुड़ी हुई चीज़ भी एक बार समझ लेते हैं। ब्रोकर्स, क्या आपको लगता है कि ब्रोकर आपका चाहता है कि आप नुकसान करो? तो मेरा मानना है नहीं, वो ऐसा नहीं चाहता। इसका रीज़न ये है कि अगर वो चाहेगा कि आप नुकसान करो तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ट्रेड नहीं करोगे उसका प्रॉफिट नहीं बनेगा। इसलिए इस सेंस से हम कह सकते हैं, इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि आपका ब्रोकर चाहता है कि आप प्रॉफिट करो या फिर कुछ तो ऐसा अच्छा करो ताकि आप मार्केट में बने रहो और आप ट्रेड करते रहो। जितना आप ट्रेड करोगे, जितना आप प्रॉफिटेबल होगे, अच्छा करोगे, उतना आप ट्रेड करोगे, उतना आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे, उतना उसका खाता बढ़ता जाएगा। तो ब्रोकर तो बिल्कुल चाहेंगे कि आप प्रॉफिटेबल बनो, यहाँ पे ब्रोकर की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि कई ब्रोकर्स अपने एजुकेशनल जो फील्ड्स हैं या फिर कह लें एजुकेशनल सेमिनार्स हैं या एजुकेशनल समथिंग, कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें वो करते रहते हैं ताकि आप मार्केट में इन्वॉल्व रहो और ट्रेड करो और उनका ब्रोकरेज जनरेट करो। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ब्रोकर्स के बारे में, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ब्रोकर्स खराब हैं या ब्रोकर्स की राय से नहीं चलना चाहिए। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर आप एक्चुअल डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सीरियसली डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ब्रोकर्स सही चीज़ या सही एंटिटी नहीं है जिसको आप अप्रोच करो ट्रेडिंग के लिए। यानी कि ब्रोकर आपके लिए सिर्फ इतना ज़रूरी होना चाहिए कि वो आपको सही टाइम पे सही एग्जीक्यूशन दे दे और उसका जो प्लेटफॉर्म है वो बढ़िया हो और ब्रोकरेज सही हो, मतलब एक अच्छा रेप्यूटेड ब्रोकर हो, ये सब चीज़ें बस चाहिए होता है ब्रोकर के लिए। इससे ज़्यादा अगर आप लिविंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग करके तो ब्रोकर की राय लेना बंद कर दीजिए। और अगर मैंने टेक्निकल एनालिसिस की जो बात की थी तो मैं ये नहीं कहता कि टेक्निकल एनालिसिस खराब है और वो आपको नहीं सीखना या नहीं करना, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ने आज तक किसी को भी कुछ बड़ा नहीं बना दिया। शॉर्ट एंड सिंपल में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको अब ज़रूरत टेक्निकल एनालिसिस की इतनी नहीं है जितनी ज़रूरत आपको आपके ट्रेड्स, जब आप ट्रेड लेते हो तब आप कैसा सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलती है चीज़ें, उस पर आप जब तक सीरियस रिव्यू नहीं करोगे आपका काम नहीं बनेगा।
तो अभी ज़रूरत है एक सीरियस रिव्यू की कि हम ट्रेड लेते वक्त क्या सोचते क्या करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो 90-80% ट्रेडर्स हैं ये नॉर्मल लोग हैं, ट्रेड करते हैं, नुकसान करते हैं, ब्रोकर की प्रॉब्लम ये है नहीं, तो पक्का ये ह्यूमन प्रॉब्लम है। बनी बात, ह्यूमन प्रॉब्लम है। और ख़ास तौर पे ये जो 80-90% ट्रेडर्स हैं ये अच्छे हैं, नॉर्मल हैं। एक कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई अच्छे प्रोफेशन में होगा, ठीक है, नॉर्मल पीपल हैं। पर जब बात ट्रेडिंग की आती है तो वो एक वाहियात ट्रेडर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फियर, डर, फियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है, इसको टैकल करना नहीं सीखा। तो अभी अगर आपको लग रहा होगा ये जो मैंने फियर वर्ड बोल दिया, आपने बहुत बार सुना होगा और सब तकरीबन ऐसी बातें करते रहते हैं, फियर, ग्रीड, होप, ओके, अच्छी बात है। बट मैं जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ ना, वो आपके दिमाग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। आप एक अलग तरीके से सोचेंगे फियर को लेकर। आपको ये यकीन होगा कि फियर का भैया इतना बड़ा रोल होता है, ये तो मुझे पता भी नहीं था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी नॉर्मल ट्रेडर्स का ग्रुप ले लो या नॉर्मल ट्रेडर को ले लो, तो पक्का अगर आप उनके ट्रेड्स को मॉनिटर करो, देखो, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसकी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की, उसकी ट्रेड लेने की एक्यूरेसी, वो तकरीबन 60% होती है एवरेज। तो अगर मैं 60% बोल रहा हूँ, इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए? जी नहीं। उसकी एक्यूरेसी भले ही 60% है, पर फिर भी अगर आप उसका रिकॉर्ड चेक करोगे, उसका स्टेटमेंट चेक करोगे, वो पता नहीं कितने रुपए लॉस में होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके कुछ रीजंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए मैं इसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गिरते हुए मार्केट में, यानी कि बियर ट्रेंड चल रहा है, तो उनके दिमाग में गिरते हुए मार्केट में, पता है वो गिरता हुआ मार्केट नहीं दिखता, उनको ये लगता है कि बस अब यहीं से मार्केट ऊपर चले जाने वाला है, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ बाय सोचते हैं। गिरते हुए मार्केट में ये सोचते हैं कि बस भैया ये अंत है, यहीं अंत है, वो इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता। सिमिलरली दूसरा पॉइंट, चढ़ते हुए मार्केट में ये सोचते हैं कि बस भाई इससे ऊपर नहीं जा सकता वो, और ये आखिरी है ऊपर, और यहाँ से अब वो गिरेगा। तो चढ़ते हुए मार्केट में वो सेल ढूंढते हैं, ठीक है, बेचने का सोचते हैं, और गिरते हुए मार्केट में बाय करने का सोचते हैं। सिंपल वर्ड्स में टॉप या बॉटम ढूंढते हैं वो लोग, तो ये बहुत गलत चीज़ है। तीसरा पॉइंट, अगर एक ट्रेंड चल के आ रहा है तो उस ट्रेंड में हल्की सी भी आहट देखने को मिलती है या रिएक्शन देखने को मिलता है, तो वो यही सोचते हैं कि भैया अब यहाँ से कुछ नया शुरू होने वाला है, नया ट्रेंड शुरू होने वाला है, घबरा जाते हैं। इसी तरीके से मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूँ, तो उनको जहाँ फियरफुल होना है वहाँ वो होपफुल होते हैं, और जहाँ वो उनको होपफुल होना होता है वहाँ वो फियरफुल होते हैं। अभी सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है ना ये पॉइंट, होपफुल, फियरफुल, इसका मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, तब मज़ा आएगा। आगे कहीं है, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल होती जाएंगी। अगर आप मेरे प्रवचन को पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, मेरे साथ आप स्क्रीन पे आइए। पेश है बहुत ही मस्त चीज़, इसको मैं बोलता हूँ एक्शन रीज़न एंड देन उसका सबकॉन्शियस रीज़न। मैंने अपने गुरु से ये लिया है और मैं आपको ये समर्पित कर रहा हूँ। ये टेबल आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगी। लाख रुपये के कोर्सेस, 1.5 लाख रुपये तक के कोर्सेस आप खरीद लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आपका पैसा, और वहाँ आपको वही बेफालतू की चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी बिल्कुल उपयोग की नहीं है, या फिर उपयोग की है भी तो वो वर्थ उसका इतना नहीं होता। और ये जो चीज़ मैं आपको अभी दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन के सामने, अमूल्य है, ओके, इसकी कोई कीमत नहीं है, और इसलिए इसकी कोई कीमत अदा कर भी नहीं सकता। मैं आपके सामने इसको पेश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल कद्र करके समझिएगा। मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये वैल्यूलेस है, ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान दे के आप सीखेंगे तभी आपके ये काम किए, नहीं तो फिर आपके लिए भी ये व्यर्थ है। ओके, अभी हम इससे शुरू करते हैं कि नॉर्मल क्या है ट्रेडिंग में,
ये बेसिकली हम जो देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से एक्शंस हैं जो हम लेते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त, चाहे स्टॉक मार्केट हो, करेंसी मार्केट हो, या फिर कमोडिटी मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, FNO हो, XYZ, कोई भी ऐसा मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, सब में ये चीज़ें लागू होती हैं। मैं एक स्टैंडर्ड लिविंग की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई बचकानी बातें नहीं कर रहा हूँ। आ जाइए, पहला चीज़ हम देखते हैं, पहला चीज़ क्या बोलता है, मैं अच्छा सा कलर ले लेता हूँ आपके लिए, मे बी ग्रीन रेड, रेड रेड लेते हैं, ठीक है रेड। पहले पॉइंट की बात करते हैं, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एक्शन लिखा हुआ है, आई एम लेटिंग माई लॉस रन। यदि आप ट्रेड लेते हैं और आपका जो ट्रेड है वो लॉस में साइड जा रहा होता है और वो आप अभी तक एग्जिट नहीं कर पाए हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप पहले ये सोचिए। तो सबसे पहला रीज़न है, आपको लग रहा होगा, आपको होप लग रहा है, क्या लग रहा है, होप, आपको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेड मेरे पक्ष में आएगा। लेकिन अच्छा, मैं सबकॉन्शियस रीज़न की बात करूं, इससे पहले छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा आपको, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि इंसान या तो दिल से सोचता है या दिमाग से सोचता है, बेसिकली अपने दिल के पास सोचने की क्षमता नहीं होती साइंटिफिकली स्पीकिंग, लेकिन ऐसा कहा जाता है, और जनरली एक्चुअल में वो क्या होता है, वो होता है, एक होता है इमोशन के साथ सोचना, एक होता है रियलिटी के साथ सोचना, ठीक है, लॉजिक के साथ सोचना इसको हम बोलते हैं। तो आपने तो सोच लिया, कुछ भी एक्शन ले लिया, दिल से ले लिया, मैंने उसको 10 करोड़ रुपए दे दिए, दिल से था, दिल में आया था इसलिए दे दिए, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मेरे दिल में आया था इसलिए मैंने ड्रॉप कर दिया, इस तरह की चीज़ें दिल से किया जाता है, इमोशनल होकर किया जाता है। लेकिन मैंने उसको ड्रॉप नहीं किया, मे बी वो ट्रैप था, मैंने उसको 10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए नहीं दिए, मे बी वो उसको उड़ा देगा, या फिर मैं उसको दूँ क्यों, लॉजिक, ठीक है। सो ये फ़र्क होता है एक सबकॉन्शियस रीज़न और एक इमोशनल रीज़न में, ध्यान रखिएगा, मैं बहुत क्रिटिकल चीज़ें बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे अभी कोई भी जितनी बात मैं करने वाला हूँ बहुत क्रिटिकल होने वाली है, ओके। सबकॉन्शियस रीज़न है अवॉइडिंग पेन, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं कि आप, आपको लग रहा है आप लॉस रन होने दे रहे हैं, लॉस आपका चालू है, आप बुक नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप अपने से अंदर से आप ये सोच रहे हैं कि मैं होप कर रहा हूँ, मैं उम्मीद, मुझे उम्मीद है कि वो पोजीशन मेरे पक्ष में आ जाएगी, इसलिए मैं उसका एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसका जो सबकॉन्शियस रीज़न है, जैसा कि मैंने बताया और मैंने एक वीडियो इस पर बनाई थी अपने ब्रेन पे, एक हमारा ब्रेन है मिलियंस ईयर ओल्ड, मतलब बहुत पुराना हमारा जो ब्रेन है वो इवॉल्व हो के आज इस फॉर्मेट पे आया है, बना है। इससे पहले हमारा दिमाग सबकॉन्शियस माइंड था, जिसको हम रेप्टाइल माइंड बोलते हैं, और इस पर मैंने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी में दे दी है प्लेलिस्ट में, अगर आपने नहीं देखा ट्रेडिंग प्लेलिस्ट खोली आपको मिल जाएगी। तो ब्रीफ में मैं बात करता हूँ, हमारा ये जो ब्रेन है इसको हम रेप्टाइल माइंड बोलते हैं, और इसका फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है हमको खतरे से बचाना, हमारा जो अंदर, इसको कुछ लोग ईगो बोलते हैं, हमारे ईगो को कोई हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जुड़ी है आपके अस्तित्व से, आपके होने से ये चीज़ जुड़ी हुई है, और आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का काम ही यही है आपको हर हालत में जिंदा सुरक्षित रहने देना। और यदि आप अपनी पोजीशन को जो है एग्जिट करते हो तो सबकॉन्शियसली वो रीज़न अलग होता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप भले ही अच्छे हो सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग करते वक्त आपका ये जो इधर ऊपर दिमाग है ना, वो अच्छा ट्रेडिंग के लिए, नॉर्मल ह्यूमन माइंड इस ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हुआ है, ये इसका बहुत उल्टा सोचता है, मतलब एक तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसको, जैसे कि मैंने बताया कि इसको लोग ईगो बोलते हैं, तो एक तरीके से हमको सुरक्षित रखने के लिए, इसका मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ, हमारे जो आईब्रो है ना, अभी कोई भी खतरा ऐसे आएगा ना, सबसे पहले हमारी आईब्रो बंद होगी, ये एक सबकॉन्शियस ब्रेन का हमारे काम है, हम तो नहीं कर रहे ना जानबूझ के आँख बंद, सही है ना, अपने आप बंद होते कोई भी चीज़ आती है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल था जो मैं देना चाहा। अच्छा, अभी चाहे मैं कोई भी आपको कारण बता दूँ, रीज़न कोई भी बता दूँ, उसका सबकॉन्शियस रीज़न अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, लेट्स टेक ग्रीन। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, वही एक्शन वही है, एक कारण मैंने बता दिया कि मैं, मुझे उम्मीद थी, लेकिन असल कारण क्या था, मैं पेन अवॉइड करना चाहता था। अब बात है पेन की, तो कैसा पेन, बेसिकली अगर हम उस पोजीशन को जो रन हो रहा है उसको हम अगर बुक कर देंगे या फिर उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो हमको दर्द होगा, पोजीशन एग्जिट हो जाएगी लॉस में, तो हमको उस बात का दुख होगा कि हमारे जो
पोजीशन है वो लॉस में है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पोजीशन रन होने देते हो। ये एक रीज़न का हो गया। दूसरा रीज़न आप बोल रहे हो कि नहीं 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 मेरा इंडिकेटर, मेरा फिबोनाची ओके कह रहा है कि नहीं तुमको एग्जिट नहीं करना, ये आपने कारण दे दिया, बट इसका सबकॉन्शियस रीज़न जो आप नहीं इसका है, इसकी बनावट है, वो है अवॉइड पेन। यहाँ पे भी आप पेन अवॉइड करना चाहते हो। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, तीसरे में मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ ओके। अब आता है कि मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, आपने मार्केट में कभी ना कभी प्रॉफिट बुक किया होगा, तो आई एम टेकिंग माई प्रॉफिट। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं रीज़न। आपने प्रॉफिट बुक किया, आपने उसका कारण बता क्या बताया हमें, यू कैन गो ब्रोक टेकिंग अ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट बुक करने से क्या समस्या है भाई, हम करेंगे प्रॉफिट बुक, हमारा प्रॉफिट है, बुक करो, पॉइंट। प्रॉफिट बुक करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीज़ हमारे दिमाग में आएगी, बट उसका भी जो सबकॉन्शियस रीज़न है वो है पेन अवॉइड करना। तो बेसिकली जब प्रॉफिट रन हो रहा होता है, आपको प्रॉफिट हो रहा होता है किसी पोजिशन में, तो आपको एक दर्द, एक डर, फियर होता है, किस बात का, कहीं ये प्रॉफिट चला ना जाए, जल्दी से इसको बुक कर लेते हैं नहीं तो ये प्रॉफिट भी चला जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। सो दिस इज़ द रीज़न कि आप उस पेन को अवॉइड करने के लिए, कि ऐसा डर, जैसे ही आपको ये डर आना शुरू हो जाएगा आपके मेंटल स्टेट में, दिमाग में, जैसे ही आपको वो डर और वो पेन आपको सताना शुरू करेगा, तुरंत आप अपने प्रॉफिट बुक करोगे, एग्जिट करोगे। पर आप उसका कारण क्या दे दोगे, कारण यही दोगे कि प्रॉफिट बुक करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये रीज़न देके एग्जिट कर दोगे, लेकिन उसका सबकॉन्शियस रीज़न यही है कि क्योंकि आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आप नहीं झेल सकते, आप नहीं देख सकते इतना प्रॉफिट, इसीलिए आप पोजीशन एग्जिट करते हो। फोर्थ पॉइंट कहता है आई एम विनिंग, मतलब मैंने एक ट्रेड लिया, मेरे पक्ष में वो जा रहा है, ठीक है, मैंने कुछ क्वान्टिटीज ट्रेड की हैं, सो आई एम रिड्यूसिंग माई स्टेक। स्टेक मतलब साइज, आपका जो रिस्क कितना आप रख रहे हैं लॉस लेने के लिए। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने 100,000 क्वांटिटी से ट्रेड किया है और अब वो पोजीशन मेरे पक्ष में चल रही है, तो कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्यों ना पोजीशन घटा दिया जाए, एक करोड़ क्वांटिटी है, अगर 50,00,000 क्वांटिटी एग्जिट, चलिए मैंने बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया, नॉर्मल ट्रेडर्स के हिसाब से अगर लेते हैं तो सपोज कीजिए 100 शेयर्स आपने खरीदे हैं, है ना, 100 शेयर्स आपने बाय किए, या फिर लॉट में बात करूं तो मान लीजिए 5 लॉट आपने ट्रेड किया, ठीक है, अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप जल्दी से क्या करोगे, 3 लॉट को बुक कर दोगे या 2 लॉट को बुक कर दोगे और 3 को रहने दोगे, नहीं तो 3 को बुक करके 4 को बुक करके 1 को रहने दोगे। मतलब आप अपनी स्टेक साइज घटाओगे, पोजिशन आपके पक्ष में जा रही है, लेकिन फिर भी आप कुछ क्वान्टिटी, कुछ लॉट्स एग्जिट कर दोगे, और उसका कारण क्या दोगे आप, प्यारा सा कारण, आई वॉन्ट टू टेक इट ईजी नाउ, मैं थोड़ा आराम से आगे जाना चाहता हूँ, मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता और अपने प्रॉफिट को बचाना चाहता हूँ, है ना। बेसिकली इसका कारण जैसा कि मैंने बताया, पेन अवॉइड करना, मतलब वो दर्द जो अगर आप एग्जिट नहीं करोगे उतनी क्वांटिटी, यानी इतना प्रॉफिट में देख के खुद को आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप उतनी क्वांटिटी एग्जिट कर रहे हो, जहां आपको बढ़ानी चाहिए क्वांटिटी, आप जीत रहे हो, जीतने के वक्त क्वांटिटीज बढ़ाई जाती है ना कि घटाई जाती है, तो जब आप एग्जिट कर रहे हो तो आपका दिमाग झेल, एग्जिट कर क्यों रहे हो, क्योंकि आपका दिमाग झेल नहीं पा रहा कि इतना प्रॉफिट हो रहा है, आपने या तो उतना प्रॉफिट कभी देखा नहीं होगा, या तो आपके अंदर डर आना शुरू हो गया कि कहीं ये प्रॉफिट भी चला जाएगा, ये आपको हजम नहीं हो रही है बात कि आपको इतना प्रॉफिट हो रहा है बेसिकली। तो उस डर को अवॉइड करने के लिए, उस पेन को अवॉइड करने के लिए आपने ये किया है, ये हरकत, ये एक्शन आपने किया है, ये एक्शन आपने किया है। इमेजिन कीजिए आप एक नॉर्मल ट्रेडर हैं, आपने एक ट्रेड लिया और आपको 10,00,000 या 20,00,000 का प्रॉफिट हो गया, और दूसरा एक कंडीशन है कि आपने ट्रेड लिया और आपको 10,00,000 का नुकसान हो गया, तो अगले दिन कौन ट्रेड करेगा, वो जो लूज किया है या फिर जो विन किया है, इन दोनों में से किसकी प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि वो ट्रेड करेगा। इसका मैं आपको जवाब भी दे देता हूँ हल्का सा, जिसने लॉस किया है ना उसको रात में नींद नहीं आएगी, वो यही सोचेगा कि भाई कैसे लॉस हो गया, अब तो मैं वापस रिकवर करके रहूँगा। आ रहा कुछ दिमाग में, कुछ तो आपका पुराना अनुभव होगा जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, अगर इनमें से कोई पॉइंट
आपसे मिलता जुलता है या फिर आपने ऐसी कोई हरकत की हो, ओके, सो उसके ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी हाई होगी। चलिए पॉइंट्स में आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि आई एम लूजिंग। ओके, पिछली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, हम जीत रहे थे, ट्रेड हमारे पक्ष में चल रहा था और वहाँ पर हम अपने स्टेक साइज कम कर रहे थे। अब हमने ट्रेड लिया, वो लॉस में जा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, सो आई एम इंक्रीजिंग माई स्टेक साइज। एवरेज का नाम सुना है ना आपने, वही इसी की बात हो रही है। मैं ट्रेड में हार रहा हूँ, उल्टा जा रहा है मेरे, लेकिन अब मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि मैं थोड़ा और खरीद लेता हूँ, अब यहाँ से मुड़ जाएगा, मैं थोड़ा और खरीद लेता हूँ, अब यहाँ से मुड़ जाएगा, राइट, आ रहा है, ओके। तो इसका मैं कारण क्या बोलूँगा, रीज़न क्या दूंगा ये हरकत करने के लिए, यानी कि हारते हुए भी मैं अपनी पोजिशन को बढ़ा रहा हूँ, रिस्क साइज को बढ़ाते जा रहा हूँ, इसका मैं रीज़न क्या दूंगा, मैं रीज़न दूंगा आई एम ट्राइंग टू गेट बैक टू वेयर आई वॉज, मतलब मैं जहाँ था, यानी कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा अभी 1 लाख का लॉस हो रहा है तो मैं इतना सोचता हूँ भाई वह इतना थोड़ा वापस आ जाएगा ना, तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं एग्जिट कर दूंगा जैसे मेरे पक्ष में जाएगा, भाई मैं बिना मतलब लॉस लिए एग्जिट कर दूंगा। हमारा दिमाग झेल नहीं सकता कि हम लॉस में एग्जिट करें, राइट, इसीलिए आप थोड़ा यहाँ बढ़ा दोगे क्वांटिटी, सोचो कि थोड़ा ऊपर आएगा, एवरेज हो जाएगा, तो मैं उसको एग्जिट कर दूंगा, राइट। तो ये रीज़न बता के आप ऐसा करते हैं, अपने स्टेक साइज को बढ़ाते हैं, और इसका अल्टीमेट रीज़न है गेट रिड ऑफ पेन। कौन सा पेन, मैंने अभी बताया कि जो हमारा लॉस हो रहा है हम उसको नहीं बर्दाश्त कर सकते, हम चाहते हैं कि भाई जैसे वापस आ जाए हम एग्जिट कर देंगे। दर्द आता है, फियर आता है, डर रहता है पैसा खोने का, ठीक है, ये एक कारण हो गया। आगे बढ़ते हैं, सिक्स पॉइंट बोल रहा है कि आई मेड माई पॉइंट्स फॉर टुडे सो आई स्टॉप। ये एक रीज़न, मतलब एक रीज़न लोग देते हैं क्या, कि मेरा आज का हो गया, मैंने ट्रेड लिया, मैंने पैसा बना लिया, मेरा आज का हो गया इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपने ये एक्शन ले लिया, अब इसका रीज़न क्या है, आई एम अफ्रेड टू लूज व्हाट आई मेड। इसका रीज़न ये है कि आप डर रहे हो, आप डर रहे हो इसलिए आप ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि आपको डर है कि मैं ट्रेड करूँगा ये पैसा भी चला जाएगा, इस बात का डर रहता है, इसलिए आप ये वाला एक्शन लेते हैं और कहते हैं क्या कि मैं, मेरा दिन का हो गया, मैं जा रहा हूँ, राइट, ओके। अल्टीमेट रीज़न, सबकॉन्शियस रीज़न, पेन अवॉइड करना, किस बात का पेन, पैसा चला जाएगा, राइट। सेवन्थ पॉइंट क्या कहता है, हमारा सेवन्थ पॉइंट कहता है ट्रेडिंग विदाउट रियल कन्विक्शन, मतलब बिना किसी कन्विक्शन के हम ट्रेड ले रहे हैं, ये एक्शन हो गया। रीज़न क्यों आप ऐसा करते हैं, आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, मैं बोर हो रहा हूँ भाई, दुनिया को पैसा बनाते हुए देख रहा हूँ रील्स में, मैंने ट्रेड ले लिया, राइट, ओके। सो और स्केयर्ड ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, ओके। सो मैं बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं ट्रेड ले लेता हूँ। तो बिना कन्विक्शन के ट्रेड आप तभी लोगे ना जब आप बोर हो रहे हो, और अगर आप बोर नहीं हो रहे हो तो आपका कन्विक्शन सही होगा, आप सही से ट्रेड लोगे, राइट। तो इसका रीज़न हो गया कि आप बोर हो रहे हो या फिर आपको मिस आउट होने का डर है, ठीक है, डरते हो आप इस चीज़ से, इसलिए आप बिना कन्विक्शन की ट्रेड ले रहे हो। सबकॉन्शियस रीज़न, अवॉइड पेन ऑफ बोर्डम, वही बोर होने का जो दर्द है आप वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, और पेन ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि कहीं पीछे रह जाने या फिर कुछ खो देने के डर से आप ये एक्शन ले रहे हो। सो ये थे कुछ सेवन पॉइंट्स, जिस जो आपके एक्शंस होते हैं मार्केट में, आप ऐसा जनरली आप ऐसा करते हो, मैक्सिमम मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इनमें से कोई ना कोई एक्शन आपने किया होगा, इनफैक्ट इनमें से सारे एक्शंस, अगर आप थोड़े पुराने थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, इनमें से सारे एक्शंस आपने कृत्य किए हैं मार्केट में, ओके। और इसके रीज़न भी आप मेरे से एग्री करेंगे, और सबकॉन्शियस रीज़न आपको एग्री करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो वही मिलता आएगा जो मिलता आया है, ओके। ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन अब जो असल ट्रेडर करते हैं, रियल ट्रेडर्स, टॉप नॉच ट्रेडर्स, ट्रेडर्स ऑन अपेक्स पिनेकल, जो ऊपर के लेवल के ट्रेडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, सेम उसकी भी टेबल है, मैं डिस्कस करता हूँ आगे, पर उससे पहले मैं चाहूँगा वो चीज़ डिस्कस करना जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, यानी कि पीपल छोड़िए, लोग वहाँ होपफुल होते हैं जहाँ उन्हें डरना चाहिए, और वहाँ वो लोग उम्मीद लगाते हैं जहाँ उन्हें डरना चाहिए, और जहाँ डरना चाहिए वहाँ वो लोग उम्मीद लगाते हैं, ओके। सो इसको भी समझने की कोशिश करते हैं।
इमेजिन कीजिए कि आपने एक ट्रेड लिया है, उस ट्रेड में आपको लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। यदि आपके लिए वो लाख रुपए बहुत बड़ी बात है, तो अब मेरे बात को बहुत गौर से समझिएगा, है ना। एक दिन एक बार का प्रॉफिट, ओके, एक लाख रुपए एक बार का प्रॉफिट। सो अभी आपका एक लाख का प्रॉफिट चल रहा है, तो अभी यहाँ पे आप क्या सोचोगे? मोस्ट प्रोबेबली नॉर्मल लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये सोचेंगे कि जल्दी से मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ वरना ये पैसा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो फियरफुल हो गए, उनको डर लग गया, डर लग रहा है कि कहीं ये पैसा चला ना जाए, राइट। अगर उन्होंने वो पैसा कभी देखा ना हो या फिर नॉर्मल उनके ट्रेडिंग पे ना आया हो, वही वो ये वहाँ पे वो होपफुल नहीं होंगे जहाँ पे उनको होना चाहिए। यहाँ पे उनको होपफुल होना चाहिए, ये होपफुल उनको ये उम्मीद होनी चाहिए, ये होप होनी चाहिए कि उनका जो लाख रुपए का प्रॉफिट है वो हो सकता है 2 लाख हो जाए, 3 लाख हो जाए, 4 लाख हो जाए। उनको डर रहता है कि ये ना कहीं चला जाए, इसलिए इसको जल्दी से एग्जिट कर देते हैं। उनको डर आ जाता है, फियर आ जाता है। सिमिलरली थोड़ा पीछे आते हैं, आपने फिर से ट्रेड लिया, ठीक, आपको उसमें लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, यू आर लूजिंग 1 लाख रुपीज़, ओके। अब आपके दिमाग में क्या चलेगा सोचिए, आपके दिमाग में क्या चलेगा? मोस्ट प्रोबेबली आपके दिमाग में ये चलेगा कि यार थोड़ा पोजिशन भी थोड़ा सा थोड़ा ऊपर आ जाए ना तब एग्जिट कर देंगे, बहुत लॉस हो रहा है यार, थोड़ा ऊपर आ जाएगा तब एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे उनको क्या आ रहा है, उनको उम्मीद आ रही है, होप आ रही है, दे आर होपफुल नाउ। अब उनको लग रहा है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि अगर ये पोजीशन थोड़ा सा ऊपर आएगा तब वो एग्जिट कर देंगे अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। जबकि यहाँ उनको फियरफुल होना है, उनको डरना है कि कहीं ये जो मेरा 1 लाख का नुकसान है ये मेरा 2 लाख ना हो जाए, 3 लाख ना हो जाए, 4 लाख ना हो जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊँ, मैं रोड में ना आ जाऊँ, मेरे को कटोरा ना मिल जाए, सही है। वहाँ पे उनको फियरफुल होना चाहिए, बट वहाँ पे वो लोग उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मेरी पोजीशन थोड़ा सा जैसी आएगी एग्जिट, तब एग्जिट कर दूंगा, राइट। बेसिकली पॉइंट क्या है मेरे ये कहने का कि लोग नॉर्मल थिंकिंग क्या है, लोग नॉर्मल क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं मार्केट या स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग को एटीएम मशीन। आपने यू कार्ड डाला, यू अमाउंट डाला, यू कार्ड निकाला, पैसा आपका बाहर। लोग एटीएम मशीन समझते हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे पैसा चाहिए। जबकि इस बिजनेस में, दिस बिजनेस यानी कि ऐसा बिजनेस जिसमें आसान पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे, बेसिकली आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अगर ये नॉर्मल है तो इसको सही कैसे किया जाएगा? तो इस चीज़ को सही करने के लिए मेरे खुद के कुछ आइडियाज़ हैं और जो मैंने सीखे हैं मैं आपके साथ वो साझा करना चाहता हूँ, ओके। और वो इस वीडियो का मेन चीज़ है, क्या मैंने बताया था ना 1% ट्रेडर्स कैसे सोचते हैं, 1% की थिंकिंग क्या है। नॉर्मल थिंकिंग समझ गए आप, अब एबनॉर्मल थिंकिंग समझते हैं। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, आप सर्च कर लीजिएगा आपको शायद मिल जाए, चार्ली डी नाम है उनका। उनके द्वारा कुछ कही गई बातें उनके बायोग्राफी से मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। उनका ये कहना है कि आप अपने आप को एक सफल ट्रेडर, एक गुड ट्रेडर तब मानना, आपको तब पता चलना चाहिए जब आप पहली बार अपनी एक पोजीशन, जो आप जिस पोजीशन में जीत रहे हो, विन कर रहे हो, उसमें अगर आप ऐड करते हो, तब आप समझ जाना कि आप एक अच्छे ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के कदम का आपने वो पहला कदम ले लिया। क्योंकि इस ट्रेडिंग दुनिया के गड्ढों में आज भी 65-62 साल के, 42-42 साल के, इनफैक्ट हर एज ग्रुप के तकरीबन लोग अभी भी गड्ढे में हैं, जो बहुत सालों से मार्केट में हैं पर आज तक उन्होंने अपनी विनिंग पोजीशन में जो वो होल्ड करते हैं आज तक ऐड नहीं किया, इसीलिए वो लोग नॉर्मल हैं, लूजिंग ट्रेडर्स हैं। अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने होल्ड की हुई पोजीशन में, आपके पास वो पोजीशन ऑलरेडी है, आपकी विनिंग पोजीशन में अगर आपने पोजीशन को स्टेक साइज बढ़ाना शुरू किया, आप ऐड करना शुरू कर रहे हैं, तो वो आपका बेस्ट स्टेप होने वाला है एक सफल ट्रेडिंग की ओर। दुर्भाग्यपूर्णवश हमारा जो दिमाग है वो हमसे प्रॉफिट बुक करवा ही लेता है, इसलिए ये चीज़ बहुत कठिन है। हमारा दिमाग कैसे खेलता है हमारे साथ, आपने 5 पे बाय किया, वो 6 गया, आपके दिमाग तुरंत बोलेगा एग्जिट करो, भले ही मार्केट वो बाद में 7 चला जाए, 8 चला जाए, 9 चला जाए,
और ये ह्यूमन नेचर है, यहाँ तक कि ये भी ह्यूमन नेचर है कि आप किसी पोजीशन में हो और आप एग्जिट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका दिमाग बोल रहा है कि भैया मैं फंसा हुआ हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा अगर ये पोजीशन मैंने एग्जिट की। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ह्यूमन नेचर को समझना। इसीलिए जब आप किसी पोजीशन में होते हो और वहाँ आपको लग रहा हो कि एग्जिट करते हैं तब वहाँ पे बने रहना, और जहाँ पे लग रहा है कि बने रहते हैं वहाँ पे एग्जिट करना। इस चीज़ को जो कि साइकोलॉजिकली बहुत डिफ़िकल्ट है, और क्यों डिफ़िकल्ट है इसको समझिए। कहीं ना कहीं आप अपने हम आप सब जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सब अपने ट्रेडिंग करियर में ऐसे फील्ड में होंगे, ऐसे सिचुएशन में होंगे जहाँ पे हमने ट्रेड लिया, मार्केट हमारे पक्ष में जा रहा है, ओके, अब हमने एग्जिट कर दिया और मार्केट और ऊपर चला गया, फिर हमको दुख होता है। सिमिलरली हमने ट्रेड लिया, नेगेटिव में गया और हमने एग्जिट नहीं किया और वो और घुसता चला गया और हमने बड़ा लॉस बुक किया। इस तरीके का अनुभव समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो इमोशनल बिहेवियर है वो हमको सही डिसीजन लेने में मदद नहीं करता। जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है तब हमको वो चीज़ सस्ती नज़र आती है, हमारे दिमाग में वो मेंटेलिटी है, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं अगर उसका रेट गिरा हुआ मिलता है तो हम उसको 4-5 खरीद लेते हैं भले ज़रूरी ना हो। दैट्स द रीज़न कि कोई चीज़ हमको अगर हमने यहाँ 10 पे खरीदी और उसका रेट 5 आ गया अगर, तो हम यही सोचेंगे कि ये सस्ता है, खरीदना चाहिए। सिमिलरली आप मार्केट में ये काम करके गलती करते हो। तो ये जो मैंने अभी कोट किया, जो मैंने बातें कहीं, इससे हमको मैसेज क्या मिलता है? तो इससे हमको ये मैसेज मिलता है कि हम ट्रेडिंग करते वक्त जो हमको हर्ट करे, जो हमको तकलीफ दे, हमको वही करना चाहिए। यहाँ पे हमको अपने ह्यूमननेस से, हमारे इंसान होने की जो प्रवृत्ति है, हमको उससे लड़ना पड़ता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने एक ट्रेड लिया और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो यकीन मानिए कि वो पोजीशन आपकी बहुत हल्की है, यानी कि आपकी जो बेट साइज़ है वो बहुत हल्का है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 100 क्वांटिटी लिया, ठीक है, आपको अगर 10,000 नुकसान हो रहा है तो पक्का वो 10,000 की कोई खास वैल्यू नहीं होगी आपके दिमाग में और वो उस क्वांटिटी का कोई खास महत्व आपके पास नहीं होगा, राइट? चाहो तो आप एक शेयर, एक क्वांटिटी ट्रेड करके देखो, आपको कोई इमोशन नहीं आएगा, ज़्यादा इमोशन नहीं आएगा, उसको चलने दोगे। वहीं अगर 100,000 क्वांटिटी आपने ट्रेड कर दिया, जहां आपको 1,00,000 का ऊपर नीचे दिखेगा ना, हालत गड़बड़ा जाएगी और आपके इमोशंस भर भर के आएंगे और आप गलत एक्शन तो नहीं लोगे, ओके। सो इसीलिए कहते हैं कि आप इस पोजीशन साइज से आपको ट्रेड करना चाहिए जो आपको हल्का सा अनकंफर्टेबल लगे, ताकि आप उन इमोशन से लड़ना सीखो और आपकी सही साइकोलॉजी बिल्ड होते जाए ताकि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर पाओ। एक फिलॉसफी है मैंने सीखी कहीं से कि मैं कभी भी एवर अपनी फुल प्रॉफिट पोटेंशियल पे एग्जिट नहीं मार पाऊंगा। ऑब्वियसली है, ये ऑब्वियस रीजन है कि आप कभी भी फुल पोटेंशियल पे एग्जिट नहीं मार पाओगे, इसलिए आपको उस तरीके से प्लान करके ट्रेड करना है। अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करना चाहता हूँ एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग को लेकर। तो अब आपको आगे बढ़ना है, आपको मेंटल फाउंडेशन क्रिएट करना है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए। शुरुआत करना चाहूँगा पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट ये है कि क्या आप तैयार हो, आर यू रेडी टू डू समथिंग जो नॉर्मल ट्रेडर्स 90% ट्रेडर्स नहीं कर रहे हैं। दूसरा, क्या आप अवेयर हो अपने वीकनेसेस से, अपनी कमजोरी को आप जानते हो, आप उसको महसूस कर पाते हो कि हाँ मेरे अंदर ये वीकनेस है, और अगर है मानते हो, एक्सेप्ट करते हो, तो क्या आप उनको काउंटर करने के लिए आपके पास कोई प्लान है? क्या आप बेहतर बनने के लिए प्रयास कर रहे हो, या फिर सैटरडे संडे कहीं मूवी देख रहे हो, या फिर कहीं कुछ इंटरटेनिंग काम कर रहे हो, कि आप अपने आप को पुश कर रहे हो बेहतर बनने के लिए? ये मेरे ख्याल से तीसरा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट ये है कि क्या आप ट्रेड करते वक्त आप अपने अकाउंट साइज को ट्रेड कर रहे हो, कि अपने अकाउंट को ट्रेड कर रहे हो, अपने मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, या फिर आपने अभी तक जो ट्रेड किया पास्ट ट्रेड्स उसमें इमोशन होके उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हो? और सिक्स्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या आपने वो फिलॉसफी डिज़ाइन की, अगर डिज़ाइन नहीं तो क्या कॉपी की, कॉपी नहीं की तो चलो समझा इस फिलॉसफी को, कि आप कैसे अपने आप को ट्रेडिंग के आउटकम से डिटैच करोगे? यानी कि आपने ट्रेड लिया, आपको लॉस हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रेड किया प्रॉफिट हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिटैच, आपके ट्रेडिंग आउटकम से खुद को अटैच कर, जो हटाना बोलते हैं ना, डिटैच करना। ये क्या आपने किया, आपने वो फिलॉसफी डिजाइन की? सो मेरे दोस्त, मेरे यारों, मुझसे बड़े बुजुर्गों,
बहुत सारा लॉट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन लगता है प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करने के लिए। चलिए आपसे एक इंटरेस्टिंग चीज भी वापस डिस्कस करता हूँ, मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करता रहता हूँ आपके साथ। ओके सो आपका मैं अज्यूम करता हूँ, मैं मानता हूँ कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, मेरे पास भी है, आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होगा और आप कार चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि आप कार चलाते हो और आप टेली कार चलाते हो, ठीक है, और बेहतर चलाते हो, बहुत अच्छी चलाते हो, आपको लगता है मस्त आप चला रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है इस वक्त कि आप बहुत अच्छी कार चला रहे हो, हो सकता है कि आप 30 साल से कार चला रहे हो, हो सकता है कि आप 42 इयर्स के हो और काफ़ी आपको अच्छा अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, राइट। अब आप जाते हो फॉर्मूला रेसिंग में जहाँ पे मस्त स्पोर्ट्स कार हो या फिर जो जो कार नहीं होती जहाँ पे बहुत सारे टर्न्स आते हैं और वो रेस कार जहाँ होती हैं। अब वो लोग को जो आप देखते हो कि वो टर्न्स में कैसे गाड़ी मोड़ रहे हैं, कैसे वो ऑपरेट कर रहे हैं, जब आप उसको देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि भैया मैं इतना भी बेहतर नहीं हूँ कार ड्राइविंग में जितना ये लोग हैं। कहने का मतलब हो सकता है कि हम कोई काम बहुत लंबे समय से कर रहे हैं पर ज़रूरी नहीं कि वो काम हमारा बेस्ट हो, वो काम हमारा सही हो, गलतियाँ हो सकती हैं। फ़र्क इतना होना चाहिए कि क्या आप एक्सेप्ट करते हो इस चीज़ को और बेहतर बनने के प्रयास में लगते हो या नहीं, क्योंकि आप जो अपने आप को परफेक्ट जो बोलते हैं वो चीज़ कभी परफेक्ट नहीं हो सकती, परफेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप जितना हो सके बेहतर बन सकते हो और अपने बेस्ट और मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने की हिम्मत कर सकते हो, और इसके लिए चाहिए एक डिफरेंट माइंडसेट जो कि सिर्फ 1% ट्रेडर्स लोग समझते और कर पाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे पास कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको सही एक्शंस, सही सबकॉन्शियस रीजन, सही रीजन के साथ ट्रेड करने में मदद करेगा, यानी कि थिंकिंग लाइक 1%। आइए स्क्रीन पे ये जो 8th पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये 8th पॉइंट, इसमें एक्शन हो रहा है, मैं लॉस बुक कर रहा हूँ। अगर मैं अपना लॉस बुक करूँ, मेरे को लॉस हो रहा है, मैं लॉस बुक कर रहा हूँ, जिट कर रहा हूँ सौदा, इसका कारण क्या होगा? कारण ये होना चाहिए आई ट्रेड विद अ प्लान, मैं एक प्लान के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा प्लान है, आई प्लान टू ट्रेड हियर, आई प्लान टू एग्जिट हियर। अगर प्लान मेरे पक्ष में नहीं जा रहा है तो मैं एग्जिट करूँगा, मैं प्लान के अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रही है तो मैं उस चीज़ से बाहर भागूंगा, राइट। इसीलिए मैं ट्रेड को लॉस को बुक कर रहा हूँ, और इसका जो सबकॉन्शियस रीज़न हमारे दिमाग को पता रहना चाहिए, उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि हम पेन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमको अगर लॉस हो रहा है ना तो हम उसको एग्जिट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि भाई बुक कर देगा तो लॉस बुक हो जाएगा, लॉस बुक होने का दर्द पेन उसको अवॉइड करने के लिए हम बुक नहीं करते। इसी को उल्टा कर देना है, यानी कि पेन को एक्सेप्ट कर लेना है, मान लेना है कि ये दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हाँ इस तकलीफ को मैं गले लगा लूँगा, एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं अपना लॉस बुक कर लूँगा। क्यों बुक कर लूँगा? क्योंकि रीज़न है मैं अपने प्लान के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ज़रूरी चीज़ें बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 9th पॉइंट कहता है आई रन माई प्रॉफिट्स, मैं अपने प्रॉफिट को होने दे रहा हूँ, मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है फिर भी मैं अभी होने दे रहा हूँ उसको, मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, लाख दो लन दो, 2 लाख होने दो, 3 लाख होने दो, उसको मैं रन होने दे रहा हूँ। इसका रीज़न है कि मैं उस एरिया जहाँ तक मैंने अब तक देखा नहीं, मैंने नहीं देखा कि भाई हाँ इसको और ऊपर जा सकता है, और ऊपर जा सकता है, उस एरिया को देखने के लिए मैं रुका हुआ हूँ। आई एक्सप्लोर द अननोन प्राइस एरिया, जब हम उसको चलने देंगे तभी तो पता चलेगा कि वो कहाँ तक जा सकता है, इससे पहले तो भैया मैं तो भगवान नहीं हूँ कि मुझे पता हो कि कहाँ तक जाएगा, राइट। सो ये एक रीज़न है, सबकॉन्शियस रीज़न, आपने एक्सेप्ट कर लिया उस पेन को, उस दुख को, दर्द को, पीड़ा को, आपने मान लिया कि हाँ ऐसा पीड़ा है, दुख है, ठीक है। उसके लिए आप क्यों आपने मान लिया? क्योंकि आप एक्सप्लोर करना चाहते हो उस प्राइस एरिया को, राइट, इसीलिए आप प्रॉफिट रन होने दोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है आई ऐड टू माई विनिंग ट्रेड, मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं उसमें और ऐड कर रहा हूँ क्वांटिटी, क्यों कर रहा हूँ? रीज़न आई कंपाउंड माई राइट एक्शन, जो मैं सही कर रहा हूँ उसको मैं और करूँगा, ज़्यादा करूँगा। यदि मैं सुबह उठ के दौड़ने जा रहा हूँ, मैं और सुबह जल्दी उठूँगा और दौड़ने की कोशिश करूँगा, बेहतर दौड़ने की कोशिश करूँगा। अगर एक पुशअप मार रहा हूँ मैं 10 मारने की कोशिश करूँगा और मैं बढ़ाऊँगा अपनी अच्छी चीज़ों को। वहीं अगर मैं लॉस कर रहा हूँ या फिर मैं नेगेटिव कोई चीज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप अगर लिक्वर कंज्यूम करते हैं, आप सोचते हैं कि मैं इतना पीता हूँ, मैं धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करूँगा, एक दिन ख़त्म कर दूँगा, राइट। एग्जैक्टली, मैं अपने उस राइट एक्शन को कंपाउंड करने की कोशिश करूँगा, क्यों करूँगा? सबकॉन्शियस रीज़न, क्योंकि मैंने उस दर्द, उस पीड़ा को मान लिया है कि हाँ ये ऐसा है, एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं ऐसा करूँगा, करेक्ट।
आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट, आई एड टू माई लूजिंग ट्रेड, आई एड टू माई लूजिंग ट्रेड। अगर मैं अपनी लूजिंग ट्रेड पे ऐड करता हूँ एक्शन, अगर इस चीज़ को मानना है, बहुत मस्त चीज़ है, अगर मैं मान रहा हूँ कि एक ट्रेड में मेरा नुकसान हो रहा है और मैं अगर उसमें पोजिशन ऐड कर रहा हूँ, तो इसका रीज़न क्या होगा? मैं अपने रॉन्ग एक्शन को कंपाउंड कर रहा हूँ, बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप लिक्विड कंज्यूम करते हैं, मैं नहीं करता, लिक्विड कंज्यूम अगर आप करते हैं तो आप अगर और बढ़ाओगे पैक साइज, ओके, बॉटल्स, नंबर ऑफ बॉटल्स, तो अगर आप बढ़ाओगे तो उसको आप कंपाउंड कर रहे हो ना, अगर कम करोगे तो उसको आप डिक्रीज करोगे। तो अगर आप अपनी पोजिशन में ऐड कर रहे, लूजिंग पोजिशन में ऐड कर रहे हो, उसका मतलब आप अपने रॉन्ग एक्शंस को कंपाउंड कर रहे हो, राइट? और ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको दर्द होगा ऐसा ना करके। सो कैसे लगे आपको ये वीडियो? बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, मैंने बहुत सारा ज्ञान झाड़ दिया इस वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है। मे बी ये वीडियो शायद एक घंटे की शायद बन जाए, पता नहीं, बट इस वीडियो में ना जो आपको मैंने दिया है ना, मैंने अपना हृदय, मैंने अपना कलेजा, मैंने अपना दिमाग, जो मेरे दिमाग में ट्रेनिंग साइकोलॉजी है, जो मैंने सीखी है, समझी है, मानी है, एक्सेप्ट की है, जो मेरा दिमाग कहता है, जो मैं, जो 1% ट्रेडर्स जैसा सोचते हैं, मैंने आपको वो देने की कोशिश की है। और 0 रुपये में दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ये फोकट की चीज़ है, ये साइकोलॉजिकल चीज़ है जो कोई डिस्कस नहीं करता मेरे भाई, कोई डिस्कस नहीं करता। मार्केट में चले जाओ, साइकोलॉजी के नाम पे कुछ टिका देंगे आपको, पता नहीं क्या टिकाते हैं, आप जानिए। मैं इतना जानता हूँ कि मैंने आपको ये जो चीज़ दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर डीप अंडरस्टैंडिंग लीजिए, इसको आप और एनालाइज कीजिए और सोचिए, और आप साबित करके दिखाइए कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि ये चीज़ साइकोलॉजिकली प्रूव्ड है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो बेस्ट और बेस्ट गुरुज हैं, उनका दिया हुआ एक ज्ञान है, और ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। डैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग, आई एम ओनली स्पीकिंग द ट्रुथ बिहाइंड द टोर, ओके। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मुझे अच्छा लगेगा, बेहतर महसूस होगा, और आपके लिए मैं बेहतर कंटेंट लेके आऊँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।